चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको एक होमवर्क दिया था, जिसमें मैंने एक मछली वाला क्वेश्चन दिया था। उस मछली वाले क्वेश्चन को ही हम लोग जरा स्टार्ट करते हैं। तो उस मछली वाले क्वेश्चन में हमें क्या गिवन था? तो ये गिवन था कि एक तुम्हारे पास ये टॉप लेयर है, ठीक है। इस टॉप लेयर के नीचे तुम्हारे पास मछली है यहाँ पे, ठीक। नीचे तुम्हारे पास एक शीशा लगा हुआ है, एक आई जो है वो इसे ऑब्जर्व कर रही है, ये टी है, ठीक है। फिर वहां पर फिश है और नीचे शीशा लगा हुआ है। तो इसने कहा था कि पार्ट नंबर बी का पार्ट नंबर टू, डिस्टेंस एट विच फिश विल बी सीन व्हेन आई सीज इट इन मिरर, ठीक है। समझिए बेटा, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। थोड़ा सा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, मतलब आपने अगर कॉन्सेप्ट को समझा है तो ये क्वेश्चन आप कर पाएंगे, वरना फिर मुश्किल है, ठीक। तो ये दूरी हमको बेटा एच दे रखी है, ये दूरी हमको दे रखी है एच बाय टू, और ये दूरी हमको दे रखी है कितना, एच बाय टू। ओके, नाउ हु इज द ऑब्जर्वर? ये तुम्हारे पास कौन है? ये तुम्हारे पास ऑब्जर्वर है, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या है? ये ऑब्जेक्ट था, ठीक है। पोजीशन एम पे ऑब्जेक्ट था, लेकिन तब था जब तुम डायरेक्टली इसको देख रहे थे। नाउ यू आर गोइंग टू सी द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। आप जो है ऑब्जेक्ट की इमेज को जो है देखने चाह रहे हैं, ठीक। तो जरा समझिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस पहले मछली की इमेज को बात करूंगा, ठीक है। ये तुम्हारे पास क्या है? ये तुम्हारे पास इमेज ऑफ फिश है, फिश की इमेज है, ठीक है। फिश की इमेज कहाँ बनेगी? फिश की इमेज एच बाय टू दूरी पे बनेगी, ठीक है। अब समझिएगा, ऐसा हमको लगेगा कि ये पर्टिकुलर जो तुम्हारे पास ऑब्जेक्ट जो रियलिटी में था, जो कि फिश थी, जबकि वो डायरेक्टली देखता था, वो पार्ट तुम ऑलरेडी कर चुके हैं। नेट चला गया है क्या? देखिए मैं क्या बता रहा था आपको, मैं फिर से बता देता हूँ। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर लास्ट वाला उसका सेकंड पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, डिस्टेंस एट विच द फिश विल बी सीन व्हेन आई सीज इट इन मिरर, ठीक है। अब ये तुम्हारे पास क्या है? ये इमेज ऑफ द फिश है, ये तुम्हारे पास है, ये फिश की इमेज है। अब ऑब्जर्वर ने तुम्हारे पास इसको देखना है, किसको देखना है? एम डैश को देखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्टेंस ऑफ
डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, आवाज आ रही सभी लोग को? आवाज आ रही सभी लोग को? आवाज आ रही बेटा? एनीवन, आवाज आ रही है सभी लोग को? यस सर, आ रही है। यस सर। ठीक ठीक। तो डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम तुम्हारे पास कहां से? पीएम से। ठीक है, पीएम से हमने तुम्हारे पास ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस देखी। तो अगर हम पीएम से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस देखेंगे तो हमें कितना पता चलेगा? h by 2 plus तुम्हारे पास h by 2 plus तुम्हारे पास h by 2, that means it will become 3h upon 2, समझिएगा, ठीक है? Now according for us the question would be like this, कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट तुम्हारा सरफेस से तुम्हारे पास 3h upon 2 दूरी पे रखा हुआ है, है ना? कोई ऑब्जेक्ट हमारा सरफेस से 3h upon 2 दूरी पे रखा हुआ है और हमारा कोई ऑब्जर्वर जो है वो टी लोकेशन पे है, ठीक है? अब मैं ये कहूंगा कि भाई ये हमारे लिए पानी था, ठीक है, ये हमारे लिए पूरा का पूरा पानी है, ठीक है? अब शीशा के ऊपर भी क्या पड़ा हुआ है? शीशे के ऊपर पानी हुआ, तो दिस विल बी ट्रीटेड एज ये पूरा हमारा पानी, ठीक। अब देखिए, अब इसने क्या कहा? इसने कहा कि ये तुम्हारे पास जो है ये टी, ठीक है, तो हम क्या निकालेंगे? हम निकालेंगे एपरेंट डेप्थ। एपरेंट डेप्थ इज इक्वल्स टू तुम्हारे पास रियल डेप्थ। एपरेंट डेप्थ इज इक्वल्स टू रियल डेप्थ अपॉन रिफ्रेक्टिव इंडेक्स। किसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स? ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ है? पानी के अंदर है, ठीक है, तो हम लिखेंगे पानी का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो ये कितना हो गया? ये हो गया 3h अपॉन 2 बाय तुम्हारे पास कितना? म्यू, ठीक है। तो जो हमारी एपरेंट डेप्थ है वो हो गई तुम्हारे पास 3h अपॉन तुम्हारे पास कितना? 2 म्यू, ठीक है। तो एक तरीके से ये कहीं हमको यहाँ दिखाई देगा, ये दूरी कितनी हो गई है? ये दूरी हो गई है तुम्हारे पास टी डैश, ठीक है। अब समझिएगा ना, डिस्टेंस हमको चाहिए है तुम्हारे पास कहां से? डिस्टेंस हमको चाहिए है जहां पे हमारे पास ऑब्जर्वर है, ठीक है। तो हमने ऑब्जर्वर को नाम क्या दे दिया? हमने ऑब्जर्वर को नाम दे दिया लेट्स सपोज अपना ए, ठीक है। तो हमने कहा कि डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जर्वर, डिस्टेंस फ्रॉम तुम्हारे पास कहां से? ऑब्जर्वर से, ठीक है। तो डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जर्वर में कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा तुम्हारे पास ए, इसको हम लोग क्या नाम है, एल नाम दे देते हैं, ए एल प्लस तुम्हारे पास कितना? ए एल प्लस तुम्हारे पास कितना? टी डैश। तो ए एल तुम्हारे पास वैल्यू कितनी है? एच। टी डैश की वैल्यू कितनी है? 3h अपॉन तुम्हारे पास 2 म्यू। तो ये कितना हो गया? h कॉमन हो गया, 1 प्लस 3 अपॉन 2 म्यू, ठीक है। इस तरीके से हम लोग निकाल पाएंगे क्या? इस तरीके से निकाल पाएंगे हम लोग डिस्टेंस ऑफ द इमेज, डिस्टेंस ऑफ द तुम्हारे पास इमेज ऑफ द फिश व्हेन दिस फिश इज सीन इन मिरर, ठीक है, समझ लिए, ठीक है। अब देखिए मैं वो फिर से समझा रहा हूँ, जिसको बिना समझाया तो देख लीजिएगा। ये सबसे पहले जिसको आ गया समझने वो लिखना शुरू कर दीजिए, ठीक है। ये तुम्हारे पास एक कंटेनर था, इस कंटेनर के अंदर ये फिश थी, ठीक है, ये पूरा यहाँ पे पानी भरा हुआ था। पहले तो एक बार हमसे ये पूछा गया था कि जो ऑब्जर्वर है वो फिश को तुम्हारे पास कितनी दूरी पे देख पाएगा? ऑब्जर्वर जो है फिश को देख पाएगा तुम्हारे पास टॉप लेयर के थोड़ा सा ऊपर, जब वो डायरेक्टली देखेगा। अब बात यहाँ पे ये आ गई कि ऑब्जर्वर को फिश को देखना है, ऑब्जर्वर फिश डायरेक्टली नहीं देखेगा, उसकी इमेज को देखेगा शीशे पे, ठीक है। अब देखिए, पहले तो तुम्हारे पास हमने कहा कि ये h by 2 दूरी है, तो हमने h by 2 दूरी शीशे पे उसकी इमेज उठाई। जब हमने h by 2 दूरी शीशे पे उसकी इमेज उठाई तो क्या हमने देखा? हमने ये देखा कि तुम्हारे पास इस इंटरफेस से तुम्हारे पास जो ऑब्जेक्ट हमारे पास जिसको हमको देखना है, ठीक है, जो कि इमेज ऑफ द फिश इन मिरर है, वो 3h by 2 दूरी पे हो गई। तो हमारे लिए ऑब्जर्वर तुम्हारे पास यहाँ पे बैठा हुआ है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट हमारे पास इंटरफेस से 3h by 2 दूरी पे बैठा हुआ है। तो हमने कहा कि हमने डिस्टेंस निकाली 3h by 2। फिर हमने कहा कि चूंकि हमारे पास नीचे पानी का मीडियम है तो एपरेंट डेप्थ वहां पर रियल डेप्थ अपॉन डब्ल्यू म्यू ए हो गया। रियल डेप्थ की वैल्यू कितनी है? 3h by 2, और ये म्यू तुम्हारे पास रिफ्रेक्टिव इंडेक्स होता पानी है। यहाँ से हमने इसको टी डैश को निकाल लिया। अब हमारे पास ये टी डैश तुम्हारे पास एपरेंट डेप्थ है, ऑब्जर्वर से ये दूरी देखेंगे तो ए एल प्लस टी डैश हमें ऐड करनी पड़ेगी। तो हमने एच पे 3h अपॉन 2 म्यू को ऐड किया और ये आंसर आ जाएगा।
लिखिए इसको, अभी बीच में डिस्कनेक्ट हो गया तो मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा इसको। लिख लीजिएगा तो बता दीजिएगा। कुछ दिख नहीं रहा है, शेयर तो रखा है ऐसे। दिख रहा है क्या किसी को भी? विजिबल नहीं हो रहा क्या स्क्रीन? सब कुछ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? एटलीस्ट रिप्लाई किया अगर कोई ना कोई तो पता तो लगे कम से कम। अभी नेट बहुत फ्लक्चुएट कर रहा है, मैं अभी दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है? लिख लीजिए फिर मुझे बताइएगा। आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। देखिए मैं फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, बीच में बार बार नेट चला गया था, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। देखिए जरा, जो हम लोग लास्ट वाला क्वेश्चन का लास्ट वाला पार्ट कर रहे हैं, जो मैंने होमवर्क के लिए दिया था, ये तुम्हारे पास पीएम, तुम्हारे पास ओरिजिनल इंटरफेस है, जिसके नीचे तुम्हारे पास जो है फिश थी, ऑब्जर्वर को फिश की इमेज को शीशे पे देखना था, ठीक है? ऑब्जर्वर ने फिश को डायरेक्टली उस वक्त देख लिया था, ऑब्जर्वर ने फिश की इमेज को तुम्हारे पास शीशे में देखना था, ठीक है? तो पहले हमने इस फिश की इमेज को शीशे पे देखा, जब फिश की इमेज को शीशे पे देखा तो एच बाय टू डिस्टेंस से तुम्हारे पास फिश की इमेज दिखाई दी, ठीक है? फिर हमने पीएम इंटरफेस से तुम्हारे पास ये जानना चाहा कि तुम्हारे पास जो ये इमेज ऑफ द फिश है, ये इमेज ऑफ द फिश तुम्हारे पास कहाँ पे है पीएम से, तो पता लगा कि वो टोटल तुम्हारे पास 3h/2 दूरी पे है। ऑब्जेक्ट के लिए जो तुम्हारे पास इमेज ऑफ द फिश है, जो कि यहाँ पे m डैश पे है, ये तुम्हारे पास इस इंटरफेस से 3h/2 दूरी पे है और पानी के अंदर है, तो जो हमारे पास 3h/2 जो है वो हमारे पास रियल डेप्थ की तरह तुम्हारे पास बिहेव करने लग गया। एपरेंट डेप्थ जो है वो रियल डेप्थ अपॉन रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द
वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर हो गया, रियल डेप्थ कितना है 3h/2 है और इफेक्टिव इंडेक्स कितना है म्यू है, तो हमने यहाँ पे निकाला टी डैश। तो हमको पता लगा कि हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो 3h/2 दूरी पे जो था वो एक्चुअल में तुम्हारे पास टी डैश दूरी पे दिखाई देगा। तो जब हमने ऑब्जर्वर से देखा तो ऑब्जर्वर से तो हमको AL डिस्टेंस को भी ऐड करना था, तो हमने AL डिस्टेंस को टी डैश भी हमने जो है ऐड कर दिया। जब हमने AL डिस्टेंस को टी डैश पे तो ऐड कर दिया तो h+3h/2 μ हो गया और तब ये आंसर h(1+3.2μ) आता है। क्लियर हुआ सभी लोग को? किसी कोई दिक्कत तो नहीं है? आगे बढ़ा जाए, ठीक है। अब आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। इसको हम अभी जो आप लिख लिए तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं लिखा तो मैं पीडीएफ भेजूंगा ना इसके बाद, फिर आप देख लीजिएगा, आराम से लिख लीजिएगा, ठीक। चलिए, तो हमने आपसे सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस के बारे में डिस्कस कर लिया था, ठीक है। अब हम आपको कुछ पहले न्यूमेरिकल्स कराते हैं इससे रिलेटेड, ठीक है। न्यूमेरिकल्स को हम लोग देखते हैं कैसे क्या क्या न्यूमेरिकल है। हाँ बेटा बोलो सर, जो ये फिश की इमेज है ये प्लेन मिरर से h/2 कैसे हुई? फिश जो है खुद प्लेन मिरर से h/2 दूरी पे थी ना, फिश जो है प्लेन मिरर से h/2 दूरी पे थी, तो प्लेन मिरर से तो हम जितनी दूरी पे खड़े होते हैं उतनी दूरी पे हमेशा इमेज बनती है। लेकिन सर जो हमारा आई पहले वाला केस था उसमें हमने हाँ बेटा बोलो, उसमें जब वो अपीयरेंट वाला था हमने वहां से डिस्टेंस लिया था, तो फिश में हम ये नहीं पहला पहला वाला पहला वाला क्वेश्चन मतलब ए वाला पार्ट या फिर बी का पहला वाला पार्ट, कौन सा वाला पार्ट? बी का पहला वाला पार्ट या ए पार्ट ए पूरा, किसकी बात हो रही है? पार्ट ए, पार्ट ए, पार्ट ए की बात क्या हो रही है बताओ। पार्ट ए में तो हमने उस उसी आई का हमने अपीयरेंट वाला डिस्टेंस लिया था ना मिरर से। हाँ हाँ, हमने क्या नाम है ये निकाल लिया था कि उसकी जो अपीयरेंट डिस्टेंस है ना, उस अपीयरेंट डिस्टेंस को फिर हमने यहाँ से पूरा काउंट किया था इतना पूरा, और फिर हम जो है नीचे लेकर गए थे तुम्हारे पास शीशे के अंदर, ठीक है। वहां पे क्या हो रहा था, वहां पे एयर और वाटर मीडियम जो है बदल रहे थे, यहाँ पे जो कि तुम्हारी फिश जो है वो शीशे के सामने सीधे सीधे पानी में है, तो उसकी इमेज डायरेक्टली तुम्हारे पास h/2 में कन्वर्ट हो जाएगी, वहां पे मीडियम का चेंज नहीं हुआ है, इसलिए हम डायरेक्टली जो तुम्हारे पास रियल दूरी होगी वही रियल दूरी को h/2 नीचे ले ली, ठीक है। आया सुनने? चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये तो तुम्हारे पास पार्ट था, ये होमवर्क का ये आंसर जो आप लोग को मैंने दिया था वो ये रहा आंसर, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट पार्ट देखिए, अगला पार्ट है हमारे पास कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, मैं कुछ न्यूमेरिकल्स यहाँ पे पहले डालता हूँ, ठीक है, फिर आप उसको देखिएगा क्या क्या है इस पे पार्ट है। तो पहला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, मैं इसको क्वेश्चन को डाल रहा हूँ, जितने लोग को आता आ रहा होगा वो आप स्टार्ट कर दीजिएगा, जितने लोग को नहीं आ रहा वो देखिएगा मतलब, ठीक है। ये मैंने क्वेश्चन डाल दिया है, मैं यहाँ पे जो है फिगर भी डाल दे रहा हूँ, ये ठीक, देखिए मैं इसको सॉल्व करूंगा, बाकी और लोग भी सॉल्व कर सकते हैं साथ साथ में हमारे, ठीक है। In the following ray diagram, calculate the speed of the light in the liquid of the unknown refractive index. ठीक है, इस particular ray diagram में आपको speed of the light निकालनी है in the liquid of unknown तो आपका refractive index. ठीक, हमेशा जब liquid बोलेंगे तो ये मत सोचिएगा कि वो पानी ही होगा, ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है, तो it is not necessary कि आप ये समझ लें कि वो पानी है और फटाक से आंसर तुम्हारे पास 4/3 दे दें, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक। तो देखिए सबसे पहले इसने क्या कहा, इसने कहा कि एक तुम्हारे पास ऑब्जेक्ट से ये तुम्हारे पास रे ऐसे गई है, ठीक है, और फिर ये पर्टिकुलर रे जो तुम्हारे पास है ना, इस पर्टिकुलर रे ने तुम्हारे पास इस तरीके से जो है इंटरफेस पे जो है ग्रेस कर लिया है, ठीक है। अच्छा, हमसे क्या क्या रखा है, हमसे ये क्या रखा है कि ये जो दूरी है
ये हमको 30 सेंटीमीटर यहाँ पे गिवन है, और ये जो दूरी हमको यहाँ पे गिवन है ये तुम्हारे पास 40 सेंटीमीटर हमको यहाँ पे गिवन है, ठीक है भाई। ये जो तुम्हारे पास एंगल है ये एंगल मेरे को बताया नहीं गया, पर मुझे ये साफ साफ दिख रहा है कि ये आर की वैल्यू 90 डिग्री है, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, ये आई की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, ये आई की वैल्यू होनी चाहिए आई सी, ठीक है। साइन ऑफ तुम्हारे पास आई अपॉन साइन ऑफ तुम्हारे पास कितना 90, साइन ऑफ तुम्हारे पास आर इज इक्वल्स टू डिफेक्टिव इंडेक्स जहां पे जा रहे हैं अपॉन डिफेक्टिव इंडेक्स जहां से आ रहे हैं, ठीक है। सो साइन ऑफ आई की जगह क्या लिखना चाहिए मेरे को, साइन ऑफ आई सी लिखना चाहिए। साइन ऑफ आर की जगह कितना लिखना चाहिए, साइन ऑफ 90 लिखना चाहिए, और ये कितना हो गया 1 अपॉन, इसको लिख सकते हैं म्यू एल अपॉन तुम्हारे पास म्यू ए, ठीक है। अब तुम्हारे पास क्या हो गया, साइन ऑफ तुम्हारे पास आई सी, ठीक है, और नीचे हो गया है तुम्हारे पास 1 इज इक्वल टू तुम्हारे पास कितना 1 अपॉन एल म्यू ए, ठीक है। अब ये बात तुम कहोगे तो तुमको ऑलरेडी पहले से पता थी हमने बताया क्या है, बात तो सही है। ये ध्यान रखना कि जब भी तुम्हारे पास साइन ऑफ द क्रिटिकल एंगल आप लिखें तो 1 अपॉन रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम होता है, ठीक है, और ये हमेशा रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू तुम्हारे पास जो है रेरर मीडियम होता है। अब मुझे पता नहीं है कि ये लिक्विड कौन सा है, ये लिक्विड तुम्हारे पास कैरोसिन भी हो सकता है, अल्कोहल भी हो सकता है, कोई तेल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मुझे पता नहीं है, ठीक है। तो इस बात में ध्यान रखिएगा, हर लिक्विड को पानी मत समझ दीजिएगा, लिक्विड कोई भी वहां पे हो सकता है। अब हमको निकालना क्या है, हमको स्पीड ऑफ द लाइट निकालनी है इस लिक्विड में, ठीक है। हमने काम किया, हमने कहा कि ये तुम्हारे पास आईसी है, ठीक है, तो ये भी तुम्हारे पास आईसी हो गया, ठीक। हमने यहाँ पे नेमिंग दे देते हैं, ये तुम्हारे पास हो गया है ए, ये हो गया तुम्हारे पास बी, ये हो गया तुम्हारे पास ओ, ठीक। इन ट्राइंगल तुम्हारे पास जो है ए बी ओ, ठीक। साइन ऑफ आईसी इज इक्वल्स टू कितना हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन तुम्हारे पास हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर के नाम पे कितना है बी ए, हाइपोटेन्यूज के नाम पे कितना है बी ओ, ठीक है। अब देखो बी ओ कैसे निकालोगे, बी ओ निकालोगे तुम्हारे पास किससे, पाइथागोरस थ्योरम से। सो बी ओ इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस तुम्हारे पास कितना, प्लस तुम्हारे पास जो है ए ओ का स्क्वायर, ठीक है, और ये तुम्हारे पास ए बी स्क्वायर कितना हो गया, ये हो गया 30 स्क्वायर प्लस तुम्हारे पास 40 स्क्वायर, ये तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारे पास 50, ठीक है। तो बी ओ की वैल्यू तो आ गई। अब देखिए साइन ऑफ द आई सी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 30 अपॉन तुम्हारे पास 50, और ये वैल्यू कितनी आ गई, ये वैल्यू आ गई 3/5, ठीक। तो साइन ऑफ द आई सी की वैल्यू निकल के आ गई है यहाँ पे 3/5, ठीक। अब समझिएगा साइन ऑफ द आई सी की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली कितनी 3/5, और ये वैल्यू आ गई 1/μ, ठीक है। सो म्यू की वैल्यू कितनी हो गई, म्यू की वैल्यू हो गई 5/3। ये म्यू की वैल्यू क्या 1 से ज्यादा है, हाँ बिल्कुल ज्यादा है, इसका मतलब है ये एल म्यू ए तुम्हारे पास 1 से ज्यादा है, इसका मतलब म्यू एल अपॉन तुम्हारे पास म्यू ए 1 से ज्यादा है। तो सिंपल सी बात है कि लिक्विड जो भी कुछ होगा, जो भी कोई लिक्विड होगा, चाहे ये अल्कोहल हो चाहे ये कुछ भी क्यों ना हो, इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स एयर से तो ज्यादा ही होना था, इसका मतलब हमने जो वैल्यू निकाली है वो बिल्कुल सही है। अब कैलकुलेशन हमारी करने में सही होनी चाहिए, क्योंकि ये कुछ भी आ सकता था, ये 7/3 भी आ सकता था, ये 8/3 भी आ सकता था, है ना, तो हमारी कैलकुलेशन तो बिल्कुल सही होनी चाहिए। तो म्यू की वैल्यू आ गई है कितनी 5/3, ठीक। अब समझिए इसने हमसे कहा स्पीड ऑफ द लाइट इन द लिक्विड चाहिए, तो हम जानते हैं कि हमने ये पढ़ाया था आपको कि साइन तुम्हारे पास आई तुम्हारे पास अपॉन साइन तुम्हारे पास आर, ये तुम्हारे पास म्यू टू अपॉन म्यू वन इज इक्वल्स टू वी वन अपॉन वी टू इज इक्वल्स टू लेमडा वन अपॉन लेमडा टू होता है। म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, वेलोसिटी के। तो इसका मतलब म्यू ऑफ द लिक्विड अपॉन म्यू ऑफ द एयर इज इक्वल्स टू वी ऑफ द एयर अपॉन वी ऑफ द लिक्विड होता है, ठीक है। हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं वी ऑफ द एल इज इक्वल्स टू वी ऑफ द ए इंटू म्यू ऑफ द ए अपॉन म्यू ऑफ द लिक्विड। नाउ वी ऑफ द एल इज इक्वल्स टू वी ऑफ द ए का मतलब क्या हो गया, 3×10^8 m/s। म्यू ए की वैल्यू कितनी होती है 1, म्यू एल की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी है 5/3, तो ये कितना हो गया तुम्हारे पास, ये हो गया 9×10^8 तुम्हारे पास 5, और ये हो गया है 1.8×10^8 m/s, और ये आ गई तुम्हारे पास वेलोसिटी। आया सभी लोग को समझने, ठीक है। तो अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें क्या करना था, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना था,
हमसे स्पीड ऑफ द लाइट पूछी थी एक ऐसे लिक्विड में जिसका अननोन रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है। अननोन रिफ्रेक्टिव इंडेक्स का मतलब आपको म्यू निकालना है। लिक्विड को सुनते ही मत सोच लीजिएगा कि वो पानी ही होगा, वो केरोसिन, वो ऑयल, वो तेल, वो कुछ भी हो सकता है, किसी भी तरीके का हो सकता है। आपको इस तरीके से पहले साइन आई सी को 1/μ से रिलेट करना था, यहाँ पे ज्योमेट्री लगानी थी, पाइथागोरस थ्योरम लगानी थी, यहाँ पे साइन आई सी की वैल्यू निकालनी थी, इन दोनों वैल्यू को निकालने के बाद इक्वेट करना था, म्यू की वैल्यू निकाल लेनी थी, और म्यू की वैल्यू को निकाल लेने के बाद आपको जो है इस तरीके से तुम्हारे पास इस एक्सप्रेशन की मदद से वेलोसिटी की वैल्यू निकालनी थी। ठीक है, देखिए नोट करिए फिर मुझे बताइए, जैसे ही हो जाएगा तो मुझे बता दीजिएगा। किसी को डाउट है तो माइक खोल करके क्वेश्चन पूछ सकता है, किसी को कोई भी डाउट हो आप माइक खोल करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सर थोड़ा स्क्रीन ऊपर कर दीजिए। ऊपर नीचे, मतलब नीचे ना सर, नीचे मतलब क्या, नीचे वाला देखना है ना, नीचे का ना। हाँ सर, लिख लीजिएगा तो बता दीजिएगा भाई, मेरे को पता नहीं लग रहा कि आपने लिख लिया कि नहीं लिख लिया, आप बताओगे तभी पता लगेगा। बड़ा जाएगा क्या? यस सर, लिख लिया। चलो ठीक है, मैं अगला क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ये पीडीएफ में पड़ जाएगा अभी। ठीक है, आपका कुछ छूट जाए तो आप वहां से लिख लीजिएगा। चलो भाई, अगला क्वेश्चन मैं इसमें लिस्ट में डाल रहा हूँ। ठीक है, कोशिश करिएगा आप मेरे से पहले कर लेना है क्वेश्चन को। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, हाँ भाई देखो, द क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस इन अ ग्लास स्लैब प्लेस्ड इन एयर। ठीक है, व्हेन तुम्हारे पास ग्लास स्लैब इज प्लेस्ड इन एयर, जब ग्लास स्लैब तुम्हारे पास एयर में प्लेस की जाएगी, ठीक है, तो तुम्हारे पास जो क्रिटिकल एंगल दे रखा है वो 45 डिग्री दे रखा है। ठीक है, अब आप कहोगे कि क्रिटिकल एंगल ग्लास स्लैब के लिए 42 डिग्री हम लोगों ने पढ़ा है बचपन में, है ना, या 42 डिग्री इस्तेमाल होता है, बिल्कुल होता होगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन अभी इस समय हमको ग्लास स्लैब प्लेस्ड इन एयर के लिए वैल्यू दे रखी है तो आपको यही इस्तेमाल करनी है। ठीक है, What will be the critical angle when it is immersed in a water of refractive index? ठीक है, तो इसने water of refractive index equals to 1.33 दे रखा है, और ये हमसे IC dash की value मांग रहे हैं, जब तुम्हारे पास glass, जब glass is dipped in water होगा। ठीक है, जब glass is dipped in water होगा, इसने कहा ठीक, कोई बात नहीं, सही है। अब देखो जरा, अब अगर मैं आपसे कहता हूँ कि भाई मेरे को ये पर्टिकुलर एक डायग्राम बना के मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, इसने कहा कि सबसे पहले जो है ना हमारा ग्लास जो है वो एयर में था, तो ये रहा हमारा क्या ग्लास, और ये रहा हमारा क्या एयर, ये हमारी रे गई, ये हमारी रे ने ये 45 डिग्री यहाँ पे बनाया।
ठीक है, और तुम्हारे पास ये रे तुम्हारे पास यहाँ से निकल जाएगी, आर की वैल्यू कितनी होगी, आर की वैल्यू होगी 90 डिग्री। ठीक है, फिर इसने क्या कहा, इसने कहा ना कि ऐसा है कि अब की बार जो ग्लास है ना अपना, वो ग्लास अपना पानी में है, ठीक है, वो ग्लास अपना जो है पानी में है। इसने कहा ठीक है, मतलब कि ये वाला जो इंटरफेस है ना, इसके ऊपर जो है ना वो पानी है, ना कि तुम्हारे पास जो है एयर। ठीक, कोई बात नहीं। तो ये यहाँ पे लेकर के आया, यहाँ पे इसने ये नॉर्मल बनाया। ठीक है, नॉर्मल बनाने के बाद हम एक बार फिर से रे को लेके गए हैं। रे को लेके जाने के बाद हमने कहा कि भैया अब हमको आईसी डैश बनाया हमने, और हमने ये तुम्हारे पास रे यहाँ निकाल दी। ठीक है, अब समझिएगा जरा, अब तुम्हारे पास जो ये ग्लास है, ठीक है, इस पर्टिकुलर ग्लास से ये रे तुम्हारे पास गई है। ठीक है, ए तुम्हारे पास ओ रे गई है और फिर यहाँ तक पहुंच गई, यहाँ पे भी दे गई है ए डैश से लेकर के ओ डैश तक, और यहाँ पे पहुंच गई। ठीक है, हमको आईसी का कोई आइडिया नहीं, हमें नहीं पता कि आईसी की एग्जैक्टली क्या वैल्यू है और कैसे आएगी, कितनी आएगी, हमें कोई पता नहीं। हमने कहा अभी निकाल देते हैं। देखो, सबसे पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, हम क्या लिखेंगे, साइन ऑफ तुम्हारे पास आई अपॉन साइन ऑफ तुम्हारे पास आर इज इक्वल्स टू, कहाँ जा रहे हो, हवा में, कहाँ से आ रहे हो, ग्लास से आ रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, साइन ऑफ 45 डिग्री अपॉन साइन ऑफ तुम्हारे पास कितना 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कितना जी म्यू ए। ठीक है, आई बस सुनने, अब समझिएगा जरा, इसने कहा साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 अपॉन रूट 2, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, ये कितना हो गया 1 अपॉन जी म्यू ए। तो जी म्यू ए की वैल्यू कितनी हो गई, जी म्यू ए की वैल्यू हो गई कितनी, रूट 2। ठीक है, लेकिन सर ग्लास का तो हमें रिफ्रेक्टिव इंडेक्स पता है, बिल्कुल पता होगा तुम्हें ग्लास का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, यहाँ पे तुम्हें इस्तेमाल नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे क्रिटिकल एंगल तुम्हें 45 डिग्री दे रखा है, उसके हिसाब से सारी कैलकुलेशन होगी, जो वैल्यू तुमको पता है उस हिसाब से कोई कैलकुलेशन नहीं। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे देखें तो साइन ऑफ तुम्हारे पास आई अपॉन साइन ऑफ तुम्हारे पास जो है आर डैश। ठीक है, हमने यहाँ पे लेट सपोज थोड़ी देर के लिए हमने यहाँ पे क्या कर लिया, हमने आई डैश ले लिया। ठीक है, साइन ऑफ आई डैश अपॉन साइन ऑफ आर डैश इक्वल्स टू तुम्हारे पास कहाँ, पानी में जा रहे हैं, कहाँ से जा रहे हैं, ग्लास से जा रहे हैं। ठीक है, हमने कहा ठीक है भाई, साइन ऑफ आई डैश की जगह हमने साइन ऑफ आई सी डैश रख लिया अपना। ठीक है, साइन ऑफ आर डैश की जगह क्या रख लेंगे हम लोग, साइन ऑफ 90 रख लेंगे, 1 अपॉन ये क्या हो जाएगा जी म्यू तुम्हारे पर डब्ल्यू। ठीक है, जी म्यू डब्ल्यू, अब बात को समझते हैं, जी म्यू डब्ल्यू चाहिए हमको, तो ये कैसे निकलेगा, जी म्यू ए अपॉन तुम्हारे पास डब्ल्यू म्यू ए से निकलेगा। जी म्यू ए की वैल्यू कितनी निकाली अभी हमने, रूट 2 निकाली। डब्ल्यू म्यू ए कितना होता है, ये होता है 4/3, डब्ल्यू म्यू ए कितना होता है 4/3, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 3√2 अपॉन तुम्हारे पास 4, तो ये कितना वैल्यू हो गया, ये हो गया जी म्यू तुम्हारे पास डब्ल्यू। ठीक है, हम यहाँ पे लेकर के आए, हमने यहाँ पे निकाला साइन ऑफ तुम्हारे पास आई सी डैश इक्वल्स टू 1/3√2 अपॉन तुम्हारे पास कितना 4, है ना, ये तुम्हारे पास जी म्यू डब्ल्यू की तुम्हारे पास वैल्यू है। हमने यहाँ पे पुट करा ये वैल्यू, ये कितना आ गया, साइन ऑफ तुम्हारे पास जो है आई सी डैश इक्वल्स टू कितना 4/3√2। ठीक है, हमसे इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, हमसे इस क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि क्या क्रिटिकल एंगल होगा जब तुम्हारे पास यही ग्लास पीस पानी के अंदर डूबा हुआ होगा। तो हमने कहा कि ठीक है, हमने फिर से वही कैलकुलेशन लगाई, साइन ऑफ द आई सी डैश अपॉन साइन ऑफ द आर, इस बार हमने जी म्यू डब्ल्यू लिखा है। जी म्यू डब्ल्यू आपने क्यों लिखा, क्योंकि आपका जो ग्लास है वो पानी के अंदर डूबा हुआ है, इसलिए हमने लिखा। जी म्यू डब्ल्यू को आपने कैसे निकाला, हमने जी म्यू ए अपॉन डब्ल्यू म्यू ए से निकाला। जी म्यू ए की वैल्यू आप कहाँ से लाए, हम रूट टू लेकर के आए, जी म्यू क्या नाम है ए की वैल्यू, डब्ल्यू म्यू ए की वैल्यू आप कहाँ से लाए, हमने 4/3 रखी। क्यों रखी 4/3, तुम्हारे पास 1.33 यहाँ पे गिवन था। ठीक है, 1.33 यहाँ पे गिवन था, इसलिए हमने इस वैल्यू को यहाँ पे रखा। जैसे ही हमने यहाँ पे रखा तो हमको पता लगा कि जी म्यू डब्ल्यू की वैल्यू तुम्हारे पास है कितनी, इसकी वैल्यू है तुम्हारे पास 3√2 अपॉन तुम्हारे पास कितना। ठीक है, ये वैल्यू तुम्हारे पास यहाँ पे आ गई, जैसे ये पर्टिकुलर वैल्यू यहाँ पे आ गई तो हमने यहाँ पे रख दिया तुम्हारे पास जी म्यू डब्ल्यू की वैल्यू, दैट इज 3√2 अपॉन तुम्हारे पास 4, 3√2/4 की वैल्यू को हम यहाँ पे रखेंगे, साइन आई सी डैश आ जाएगा, और हम लोग यहाँ से देखेंगे तो आई सी डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4/ तुम्हारे पास 3√2 इस तरीके से। ठीक है, और ये तुम्हारे पास साइन इनवर्स, तो साइन इनवर्स भी हम लगा देते हैं यहाँ पे, तो आई सी डैश की वैल्यू हो जाएगी कितनी, साइन इनवर्स 4/3√2। नोट करिए,
हो गया चलिए सभी लोग रीजॉइन कर लीजिए, टाइम कंप्लीट हो रहा है, रीजॉइन कर लीजिए सभी लोग, सभी लोग रीजॉइन कर लीजिए जरा।